सभी फ्यूचर मेडिकल्स और पेरेंट्स को विद प्रकाश बेनीवाल का नमस्कार। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो नीट की काउंसलिंग में इंडिया में मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन्स के लिए देख रहे हैं। वो सभी स्टूडेंट्स जिनका नीट का स्कोर कम है और जिनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहिए, ये उनके लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नीट की जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है उसमें ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप अपने से ऊपर के काफ़ी रैंक के स्टूडेंट्स को छोड़कर डायरेक्ट कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ले लें। हालांकि भी आप लोग के पास बहुत सारे टेक्स्ट मैसेजेस आते होंगे, बहुत सारे कॉल्स आते होंगे जो आपको दावा करते हैं कि वो आपको 40 लाख में या 50 लाख में किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन दिला देंगे। फिर वो आपसे काफ़ी बार बात करेंगे, जब उनको पता लग जाता है कि हाँ एक जेन्युइन क्लाइंट आप हैं तो आपको बुलाकर मिलने की कोशिश वो करते हैं। जब आप मिलते हैं तब वो आपको ऑप्शन देते हैं कि 50 लाख ऐसे लग रहा है, 60 लाख देंगे तो हम आपको गवर्नमेंट मेडिकल इंस्टीट्यूशन दिला देंगे। फिर जब 10, 20, 30 लोगों को ऐसा झांसा दिया जाता है तो उनमें से मैं पक्का मानता हूँ 2 से 4 लोग तो ठगे जाने के लिए तैयार रहते हैं, जिनका उस समय ये ध्यान नहीं जाता कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उनको कैसे मिलेगी। उस केस में क्या होगा कि आप अपना पैसा दे बैठते हैं 2 लाख से लेकर 20 लाख, 50 लाख तक जितना भी वो मांगते हैं। एट द एंड क्या होता है, ना ही आपका एडमिशन होता है और आपका पैसा भी चला जाता है। इसलिए यदि आपको ऐसा कोई झांसा दे रहा है कि वो किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपका एडमिशन करा सकता है इंडिया की और आपका स्कोर कम है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऐसा कोई भी सॉल्यूशन नहीं है या ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है जिसके तरीके से आपका एडमिशन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो जाए, वो भी इतने सारे बीच में जो रैंक होल्डर्स हैं उनको पछाड़ के आप आगे चले जाएँ। सिर्फ पैसे के बेसिस पे कतई नहीं होता, क्योंकि यदि ऐसा हो रहा होता तो ये सारे रास्ते सब बंदों को पता होते। एग्जैक्टली एक स्कैम है जो कंसल्टेंट क्या करते हैं कि 100-200 लोगों को डेली मैसेजेस कॉल्स करते हैं, तो उनमें से कुछ लोग प्राइवेट कॉलेजेस के लिए आते हैं, फिर उनको उनमें से कोई 2-5 लोगों को ये लोग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के नाम से एडमिशन लेने की बात करते हैं, टोकन अमाउंट की बात करते हैं कि आप 2 लाख अब दे दीजिए। इनफैक्ट वो लोग आपको कॉलेज का कैंपस ही विजिट कराते हैं, वहाँ वो एप्लीकेशन फॉर्म भी लेके रखते हैं, आपसे एप्लीकेशन फॉर्म भी भराया जाता है, जब आप कैंपस में होते हैं तो आपसे किसी ना किसी बहाने से पैसा भी लिया जाता है। तो आप ये मान के चलिए यदि 5 लाख रुपये भी ऐसे कंसल्टेंट को मिल जाता है और 2 पेरेंट्स भी दे देते हैं 10 लाख रुपये में, तो उसका पूरा साल निकल गया। क्यों? क्योंकि उनको तो ये 10 लाख मिलने के बाद गायब हो जाना है, फिर अगली बार नया नाम, नया फ़ोन नंबर, नई ऑफिस और फिर नए तरीके से कोई ना कोई बेवकूफ़ बनने के लिए उनको कोई ना कोई मिल जाता है। इसलिए इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि यदि आप ऐसा किसी भी तरीके का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज किसी के झांसे में आगे ले रहे हैं तो ये सरासर नहीं मिलने वाला और सरासर गलत है। मैं आपको बता देता हूँ, यदि कोई आपसे ये कहता है कि मैं आपका एडमिशन करा दूँगा, तो आप उसको ये बोलिए भाई तुम 40 लाख रुपये मत लो, मेरे से 50 लाख का चेक ले लो, लेकिन जब बच्चे का इनरोलमेंट हो जाएगा या जब बच्चे का काउंसलिंग के थ्रू अलॉट होगा तब ये लोग आपको झांसा ये देते हैं कि हम लोग पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराने के बाद उस सीट को हम कैंसिल कर देते हैं और उसके बिहाफ पे हम लोग फिर यूनिवर्सिटी से और प्रिंसिपल से या डीन से सेटिंग करके हम लोग रजिस्ट्रार से सेटिंग करके हम लोग फिर आपको वहाँ पे एडमिशन दिला देते हैं, बैकडोर एंट्री हो जाती है, सब लीगल रहता है, ऐसा वैसा, मतलब उनके पास 100 तरीके के बहाने हैं। वो ये देखेंगे कि किस बहाने में आप जल्दी ट्रस्ट करेंगे और उसी बहाने को फिर वो लंबा खींचते जाते हैं और आप उसमें फंस जाते हैं। तो यदि आपका स्कोर कम है और आप ऐसा प्लान कर रहे हैं कि आपको कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दिला दे, तो आपके साथ धोखाधड़ी होना तय है। हाँ, यदि आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आप उस केस में कुछ काउंसलर्स की मदद ले सकते हैं जो इंडियन मेडिकल कॉलेज के बारे में अच्छे एक्सपर्ट्स हों, जिनको पता हो कि लास्ट ईयर की काउंसलिंग, लास्ट 2-3 साल की काउंसलिंग कहाँ किस कॉलेज में कितनी बंद हुई थी। इनफैक्ट वो भी कोई एस्ट्रोलॉजर्स नहीं है, वो भी कोशिश करेंगे जिसमें से 80-90% का एडमिशन हो जाते हैं, जो नए होते हैं उनमें 10-20% का एडमिशन होता है, बाकी लोगों का नहीं होता है। तो प्राइवेट कॉलेज के लिए आप किसी काउंसलर की हेल्प ले सकते हैं और वो भी कुछ कोई आपको छोटा अमाउंट आपसे चार्ज करेंगे, 10-20-50 हज़ार रुपये चार्ज करेंगे और वो भी कॉलेज मिलता है तब करेंगे, जो मैंने अभी तक सुना है, जो मुझे पेरेंट्स ने बताया है। और जो कुछ अच्छे काउंसलर होते हैं वो कुछ लिमिटेड नंबर में शायद कुछ ज़्यादा भी चार्ज कर सकते हैं आपको, लेकिन प्राइवेट कॉलेज के बारे में और गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में सिर्फ आपको सजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है जिसके थ्रू आपको आपके कम स्कोर के बेसिस पे कोई किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज किसी भी स्टेट में दिला दे। यदि कोई आपको ऐसा कह रहा है तो आप मान के चलिए आप उस आपको ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है। फिर भी यदि आप ट्रैप होना चाहते हैं तो पैसा आपका है, बच्चा आपका है, फ्यूचर उसका है, आप करके देख लीजिए। और यदि कोई ऐसी सीट मिल जाए तो मुझे भी बताइएगा, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये लोग आपको बोलते हैं कि हमारे पास 4 ही सीटें, 5 ही सीटें। तो मानिए यदि ये लोग 5 साल से काम कर रहे हैं तो उनको एडवर्टाइजमेंट की नीड क्या है? जो पिछले साल 5 बच्चों का एडमिशन कराया था उनके सर्किल में या उनके रिलेशन में इतने लोग होंगे, कम से कम 10 लोग जिनको एडमिशन चाहिए होगा, और वो लोग उनको जितना पैसा मांगेंगे उतना देंगे यदि उन्होंने ऐसा किया हुआ होगा तो। लेकिन ऐसा
एक्चुअलिटी में कहीं होता नहीं है, ऐसा एग्जिस्ट होता ही नहीं है, करता ही नहीं है कहीं। इसलिए मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आपकी खून पर से नहीं कमाई को आप बचा कर रखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस तरीके के ट्रैप से दूर रहें। काउंसलिंग के थ्रू ही आप अपना एडमिशन सिक्योर करने की कोशिश करें, बाकी इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है। बाकी आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं आप हमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर सकते हैं, यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।